पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन उनसे छिन गई है। भारत के शुभमन गिल 830 पॉइंट्स के साथ वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम 938 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद नंबर वन रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल, नंबर 1 पर आ गए हैं। देख कचरा लेस है, कैसे खुराक मांग रहा है तेरे बस की। सड़क जमीन में काट दूंगा, देखे घर वाले ढूंढते। किसका तू? बस ये चेहरा ध्यान रख, आइंदा आ रहा हूँ ना तो साइड में खड़ा हो जाइए, बच रहे अभी दिन, चले जा साले। मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर है वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन अफरीदी पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। आपके सवाल ज़हन में आएगा कि यार सिराज के विकेट तो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में नंबर 1 कैसे हो गए? शुभमन गिल जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है वर्ल्ड कप, तो वो कैसे नंबर 1 हो गए? बाबर आजम मैच विनर थोड़ी है, वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इम्प्रोवाइज करता है, ड्राफ्ट करता है, फिर लेके चलता है, फिर शॉट्स खेलता है, वो इन दी एंड फिनिश करता है। लेकिन वो 40 बॉलों में 100 नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बनाना कि वो मैच मैच क्या बोला था तुमने, मैच विनर, मैच विनर, वो नहीं है। बाबर आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहे, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। और आया किस तरह एशिया कप में परफॉर्म करके, और हमारे घंटे जो है जो एशिया कप से पहले 100 गोल्ड वर्ल्ड क्लास और थर्ड क्लास बनते फिर रहे थे कि जी हमारे पास 150 वाली पेस है, हमारे पास 200 वाली पेस है, वो उसके फटे हैं सारे। मोहम्मद सिराज ने जो फाइनल में स्पेल किया था ना, आईसीसी को भी अकल आ गया ना, ये आईसीसी वाले भी बगैरत हुए हुए थे, इनको अकल आई है अब कि किसी डिजर्विंग बंदे को वनडे में नंबर 1 पोजीशन दें। मोहम्मद सिराज आ गया वनडे में, पाकिस्तान का टॉप 10 में एक बंदा है शाहीन अफरीदी और वो भी 10वें नंबर पे है। इससे बेहतर है कि लानती इंसान को बाहर फेंक दो, लिटरली लानती इंसान को बाहर फेंक दो। और ये मेरा घंटा का कह रहा था उस दिन एशिया कप से पहले कि जी हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेल है, फास्ट बॉलर है, और मैं इस बात पे कॉन्फिडेंस हूँ। कुत्ती के बच्चे, कोई तेरे पास नंबर वन फास्ट बॉलर नहीं पड़े हुए भाई। फास्ट बॉलर वो होते हैं जिनके पास लाइन और लेंथ बेहतर हो, फास्ट बॉलर वो होते हैं जिनके पास जो वो पता हो कि मैंने कौन से मोमेंट में क्या बॉलिंग करें। ये नंबर 1 है, मेरा एल नंबर 1 है, ये नंबर 1 है तो मोहम्मद सिराज है, उसने बता दिया कि नंबर 1 बॉलिंग क्या होती है। उसने वो दूसरी बार वनडे क्रिकेट में नंबर 1 आया, वो दूसरी बार वनडे क्रिकेट में नंबर 1 आया, इससे पहले भी वो वनडे क्रिकेट में नंबर 1 रह चुका है, और अब फिर वो वनडे क्रिकेट में नंबर 1 आ चुका है। और मैंने नहीं देखा कभी कोई पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट में नंबर 1 आया हो, कभी मैंने नहीं देखा। इवन बातें तो करते हो ना कि नंबर 1 तो हमारे पास है, हमारे पास 150 वाली पेस वाले हैं, हमारे पास सी है, हमारे पास है, और तो नंबर 1 पे क्यों नहीं आते आप लोग, क्यों नहीं आते? हुआ जिसका डर था, बाबर आजम 938 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद नंबर 1 रैंकिंग से नीचे आ गए। बाबर आजम नंबर 2 बन चुके हैं और शुभमन गिल, इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल, नंबर 1 पर आ गए हैं। पहली दफा 3 साल में कोई बल्लेबाज बाबर आजम से ओडीआई रैंकिंग्स में ऊपर आया है। बाबर आजम की रेटिंग पॉइंट्स है 924 और शुभमन गिल के 930, ये 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो 3 साल बाद बाबर आजम को अपनी टॉप पोजीशन से नीचे ले आया है। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस चीज पर, क्योंकि पाकिस्तान फैंस खुश नहीं है बीसीसीआई के डिसीजन से। वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने तो 190 किया था श्रीलंका की टीम के खिलाफ, उसके बाद 24 स्कोर किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जबकि बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 66 नॉट आउट की आई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत तगड़ी टीम है जिसकी रैंकिंग बहुत बेहतर है श्रीलंका से। तो बाबर आजम नंबर 2 पर कैसे आ गया? बाबर आजम को नंबर 1 होना चाहिए और रहना चाहिए था, और फैंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शुभमन गिल बाबर को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन जो हुआ आपके सामने है, इसको बीसीसीआई की साजिश कहे, इसमें बीसीसीआई का हाथ कहे या कुछ भी कहे, लेकिन शुभमन गिल आप ऑफिशियली नंबर 1 बन चुके हैं। और विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर के बाद शुभमन गिल चौथे इंडिया के बल्लेबाज हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग संभाली है। साथ साथ मोहम्मद सिराज जो इंडिया के बॉलर है वो भी नंबर 1 पर आ चुके हैं ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स में। शाहीन अफरीदी पिछले हफ्ते नंबर 1 थे, बल्कि पिछले साल तो शाहीन अफरीदी का नंबर 10 था, पिछले हफ्ते शाहीन अफरीदी नंबर 1 थे, लेकिन शाहीन को 5वें नंबर पर धकेल दिया उन्होंने। शाहीन ने 90 रन कंसीड किए थे पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और शाहीन पहले से 5वें नंबर पर गिर गए। इसके बाद मोहम्मद सिराज की ये दूसरी दफा, इसी महीने दूसरी दफा मोहम्मद सिराज जो है वो दोबारा से नंबर 1 आए हैं। इंडिया के एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बहुत सारी विकेटें ली हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। एशिया कप फाइनल के बाद भी वो नंबर 1 आ गए थे, उसके बाद जॉश हेजलवुड ने उनसे वो रैंकिंग छीन ली थी, तब दोबारा से नंबर 1 हो चुके हैं वो। पिछले हफ्ते बाबर आजम और शाहीन नंबर 1 थे,
है बॉलिंग और बैटिंग में। इस हफ्ते शुभमन गिल और सिराज नंबर वन है बॉलिंग और बैटिंग में, तो साउथ एशिया के लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी प्राउड मोमेंट अब नहीं रही वो अनफॉर्चुनेटली। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज इंडिया के नंबर फोर पर आ चुके हैं, 770 उनके रेटिंग पॉइंट्स है। जो क्विंटन डिकॉक है नंबर तीन पर, वो है साउथ अफ्रीका के सलामी ओपनिंग बल्लेबाज, उनके 771 रेटिंग पॉइंट्स है। तो विराट भी अब दोबारा से टॉप थ्री में आने वाले हैं और हो सकता है कि नंबर वन पोजीशन के लिए आगे आने वाले वक्तों में वो भी लड़ाई करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा अब नंबर छह पर आ गए हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट है। शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज हैज डीथ्रोन्ड एंड रिप्लेस्ड बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी फ्रॉम द रैंक ऑफ ओडीआई नंबर वन बैटर एंड नंबर वन बॉलर। और अब इंडियंस का राज है T20 रैंक ओडीआई रैंकिंग्स के अंदर, चाहे हम बॉलर्स की लिस्ट की बात करें या हम बात करें बैटर्स की लिस्ट की। आज से चंद महीने पहले तीन तीन पाकिस्तानी बैटर्स थे, लेकिन अब टॉप 10 में ऐसा मामला आ चुका है कि सिर्फ तन्हा बाबर आजम है और ना फखर है ना इमाम है, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले, यार ये तो रैंकिंग्स भी नहीं है, यार इनका तो कोई बैटिंग ही नहीं है। तो हुआ ये कि दुनिया ने जब ओडीआई क्रिकेट खेलना शुरू की तो चंद मैचेस लगे, रैंकिंग्स ऊपर नीचे आगे पीछे टॉपल हो गए। 900 दिन बाद शुभमन गिल ने रिप्लेस किया, वेल डिजर्विंग शुभमन गिल, क्योंकि इस साल का जो आगाज शुभमन गिल ने किया, सॉस बकलिंग, एक डबल सेंचुरी आई, फिर सेंचुरीज की तादाद लगी। अनफॉर्चुनेट हुआ वर्ल्ड कप में उसका आगाज के डेंगी से ही वॉज डाउन एंड ही टुक कपल ऑफ मैचेस टू रिकवर एंड टू प्ले अगेंस्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। हालांकि शुभमन के लिए कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच नंबर वन से खेलेगा, ये टूर्नामेंट शुभमन का होगा। अभी तक शुभमन का ये टूर्नामेंट उस तरह हुआ नहीं है जिस तरह टेक्निकली होना चाहिए था। हालांकि टूर्नामेंट से पहले ये बात हुई थी कि जी कौन इस साल का टॉप यंग प्लेयर होगा, तो शुभमन हर किसी की जबान पे शुभमन था, लेकिन शुभमन गिल राइटली सिटिंग एट द टॉप एज द नंबर वन ओडीआई बैटर एंड मोहम्मद सिराज राइटली सिटिंग एट द टॉप एज अ नंबर वन ओडीआई बॉलर। शाहीन अफरीदी को रिप्लेस किया, शाहीन अफरीदी की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद 10 ओवर में 90 और उसके बाद शाहीन अफरीदी ड्रॉप डाउन हो गए पांचवें नंबर के ऊपर, और बाबर आजम और शुभमन गिल का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आके शुभमन गिल नंबर वन है, बाबर आजम नंबर टू पे हैं, विराट कोहली नंबर चार पे पहुंच चुके हैं और विराट कोहली भी यहाँ मार्जिन कम करते जा रहे हैं। जो परफॉर्मेंस बाय द वे विराट की है, और अगर इसी तरह परफॉर्मेंसेज रही तो कोई मेरे ख्याल से इसमें अचंबा नहीं है कि बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप एंड हो और विराट अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और टीम इंडिया इसी तरह परफॉर्म करती रहे तो कोई पता नहीं, आप शायद विराट कोहली को शुभमन गिल को भी सरपास करते हुए अपने 16 साल इंटरनेशनल करियर के बाद भी शायद वो नंबर वन ओडीआई बैटर ये वर्ल्ड कप खत्म करें। वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था तो ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर और बॉलर्स की हुक्मरानी थी, मगर जब एक पहला राउंड तकरीबन खत्म होने को है तो भारतीय बॉलर्स और बैटर छाए हुए हैं। बाबर आजम की लगभग 2 वर्ष की हुक्मरानी पर शुभमन गिल का अब कब्जा हो चुका है, अगरचे 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है मगर अब शुभमन गिल ओडीआई के नंबर वन बल्लेबाज बन चुके हैं और शाहीन अफरीदी जो नंबर वन बॉलर थे उनसे भी वो हुक्मरानी छीन ली गई है। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि शुभमन गिल जितने कद काट के बल्लेबाज हैं इस वर्ल्ड कप में उतने रन उनके बल्ले ने उगले नहीं है मगर वो नंबर वन बैटिंग रैंकिंग में आए हैं, ये कैसे? पुरुष की बात करें तो मोहम्मद सिराज 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, कुलदीप यादव मेरे बड़े फेवरेट स्पिनर हैं वो चौथे नंबर पर हैं, फिर शाहीन अफरीदी का नंबर आता है जिनकी 16 विकेट वर्ल्ड कप में, मगर यहाँ पर पांचवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का 8वां नंबर है, शामी का 10वां नंबर है। तो कुल मिला के सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और शामी, यानी इंडिया का पूरा बॉलिंग अटैक टॉप 10 में आ चुका हुआ है पूरे का पूरा। आपके सवाल जहन में आएगा कि यार सिराज की विकेटें तो हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है वर्ल्ड कप में, वो रैंकिंग में नंबर वन कैसे हो गए? और दूसरा शुभमन गिल जो हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर नहीं है वर्ल्ड कप के, अगर देखे गए 8 मतलब वैसे 8 गुजर गए उनके 6 मैचेस खेले तो वो कैसे नंबर वन हो गए? तो दोस्तों होता यूं है कि आपकी जब से आप खेलना शुरू करते हैं तब से आपकी रैंकिंग काउंट होना शुरू हो जाती है, ये नहीं कि सिंपल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में 7-6-8 मैच बहुत मैटर करते हैं मगर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते क्योंकि आपकी रैंकिंग पीछे से चलती आ रही होती है। और फिर आपने जो उनका सिस्टम है ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कितने रन किए और वो काउंट हो गया और आपकी रैंकिंग अब ऊपर आई या नीचे आई, जो भी ऐसा नहीं होता। तो रैंकिंग है एक कंप्यूटराइज सिस्टम एक्चुअली में, तो आप